नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता की चिता अभी तक बुझी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। आपको बता दें कि बलरामपुर में एक दलित छात्रा के साथ अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है और वही छात्रा की मौत हो गई है। यूपी में रेप की घटनाओं ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। एक तरफ जहां हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जिले से एक छात्रा के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। अभी हाथरस की बेटी की चीता आग बुझी ही नहीं थी कि एक और दलित बेटी हैवानियत की शिकार हो गई। एक माँ की आंखों के आंसू सूखे भी नहीं होंगे कि दूसरी माँ की बिटिया को हैवानों ने मार डाला। यूपी में एक से बढ़कर एक दलित बेटी के साथ हैवानियत और उसकी हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार मामला बलरामपुर जिले का है, जहां दरिंदों ने बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा के पहले इज्जत लूटी और उसे मार डाला। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, तभी ये संगीन गुनाह हुआ। परिजनों की माने तो आरोपियों ने छात्र का पहले अपहरण किया, फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालत बिगड़ी तो पड़ोस के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। बलरामपुर कांड में पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन सवाल ये है कि सूबे में अपराधी इतने बेखौफ क्यों है और क्या बलरामपुर की बेटी को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। की है जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई, तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी दो लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसके उसको ले गए उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ रेप किए। हमारे बच्चे का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए, हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारे बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था, उसे आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा, फिर कही ये मम्मी अम्मा जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्चे का इस बार हो गई। वहाँ से एडमिशन करा कर लौट रही थी तभी एक गाड़ी आई जिसमें 3-4 लोग थे और हाथ दिए, उसको बैठा लिया जबरदस्ती, फिर उसको नशे के इंजेक्शन लगा के और गाड़ी में बैठा लिए, उसके बाद अपने रूम पे ले गए गैंग रेप केस के साथ। उसका पैर हाथ पैर बिल्कुल तोड़ देते, कमर से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद एक रिक्शे वाले को बुला के और रिक्शे पे बिठा के उसको भेज दिए घर पे। उसके हाथ में वीगो लगा था। कब एक्सपायर हुई? रास्ते में, मतलब यहाँ डॉक्टर जवाब दे दिए उसको लेके गए, रास्ते में लेता बलरामपुर लेता जाते रास्ते में दम तोड़ दी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।